तरफ शासन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में जो निवास कर रहे हैं लोगों को पक्के मकान देने की बात कह रही है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तहसील तामिया के ग्राम पंचायत कपूरनाला के पीपरढार गांव में अभी भी 50 ऐसे परिवार हैं जिन्हों को पक्के मकान ना मिलने की वजह से इन लोगों को आए दिन बारिश के समय में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जैसे बरसात होता है, रात में बरसात होते तो पूरा अंदर गीला हो जाता है, कपड़े से पानी आता है नीचे पूरा गीला, रात में सोते समय पानी बरसात होती है तो इधर से कपड़ा लेकर इधर भागना पड़ता है, उधर फिर टपकने लगता है पानी, फिर इधर भागना पड़ता है। तो मोदी ने जो योजना दी आवास योजना वाली, तो सबको मकान देना चाहिए, सब जगह सब गांव में मकान बन चुके हैं। पीपरधार पे अभी 2-4 ही मकान बने, बाकी सब पूरे लोग ऐसे मकान आएगा तभी बनाएंगे यही आस में बैठे हैं। हमारा कहना यही है कि मोदी जी ने जब योजना बनाई है तो योजना हमको भी मिलना चाहिए। समस्या तो कौन से सामना करना पड़ता, बरसात में सबसे ज़्यादा परेशानी पड़ती है, जैसे टूटे मकान है, अब साइट में मकान बन गए, जैसे 2-4 मकान आए, हमारा मकान टूट गया, ये मकान में बहुत बड़ी समस्या बन रही है, मकान टूट गया उसमें बार बार पानी लाओ पानी लगाओ, बरसात में हवा तूफान आते तो पानी ऐसे फट जाती है, घास घुस वाले मकान है हमारे, बरसात में जैसे पानी बरसात होती है तो बरसात में दीवार आधे खिसल जाती है, फिर उसी को छापते हैं दीवार को, फिर पता चला दूसरे साइड से टपकने लगा, फिर दूसरे साइड छापने, वही गत रहती है बरसात भर हमारी। पर गर्मी में तो जैसे खुले में भी रह सकते हैं, लेकिन बरसात में सबसे बड़ी परेशानी यही है, मक्का वो झोपड़े को सुधारने ही वाला काम रहता है। शासन से हमारी यही मांग है, हम सबको मकान दिया है मोदी तो हमको भी मकान दिला। ये योजना चल रहा तो प्रधानमंत्री आवास वाला हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। हम घास भूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और हम आदिवासी क्षेत्र के हैं, भरिया समाज के हैं, तो ये देखो हमारे मकान ऐसे पड़े हैं और सभी का वो मिल रहा है योजना, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? आप ही बताए कि हम ये मकान के माध्यम से हम गरीब हैं कि अमीर हैं सर? तो हमको सभी को सुविधा मिल रही तो हम लोगों को भी सुविधा चाहिए ना। अधिकारी आते हैं बेलात फुसला के, वो चल जाते हैं, बोले हाँ कल मिलेगा, हाँ परसों मिलेगा, अब मिलेगा, अब आना है, कब जाना है, ऐसे बोलते हैं, अरे चलते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर बात करें ताकि इस गाँव की समस्या का समाधान हो सके। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से मैं राजू परदेती, इंडिया अनहर्ड के लिए।